हेलो नमस्कार दोस्तों, और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का लर्न बी सतीश चैनल में। और आज हम एक नई ऑडियो क्लिप लेकर आए हैं आप सभी लोगों के लिए। और ये ऑडियो क्लिप है अमेरिका मार्ग किस प्रकार पाएं, या अमेरिका मार्ग हम इस प्रकार पा सकते हैं। तो हम इसमें 14 पॉइंट को डिस्कस करेंगे, 14 पॉइंट को हम पढ़ेंगे और आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में मार्गदर्शित करेंगे इसके जरिए से। तो पॉइंट नंबर एक, यह दावा करने की हिम्मत करें कि अमीर होना आपका अधिकार है और आपका मन अंदर से आपके दावे को फलीभूत करेगा। नंबर दो, आपको केवल काम चलाऊ धन नहीं चाहिए, आपको अपनी इच्छा अनुसार सभी चीज़ें चला करने के लिए विपुलता में धन चाहिए, जिससे कभी भी कहीं भी आप अपनी इच्छा से पूरी कर सकें। अपने अवचेतन मस्तिष्क की संपन्नता से पहचान बनाएं। जब आपके जीवन में पॉइंट नंबर तीसरा है, जब आपके जीवन में धन निरंतर प्रवाहित हो रहा हो तो आप आर्थिक रूप से स्वयं स्वस्थ होंगे। धन को ज्वार भाटे की तरह देखें तो आपके पास उसकी प्रचुरता रहेगी। भाटा और ज्वार का प्रवाह निरंतर है, जब लहर जाती है तो आपको यकीन होता है कि यह वापस आएगी। चौथा पॉइंट, अपने अवचेतन मस्तिष्क के नियम को जानते हुए आपको हमेशा इसकी सप्लाई बनी रहेगी, चाहे धन का स्वरूप कैसा भी हो। पांचवा पॉइंट नंबर, कई लोगों के पास केवल गुजारे लायक धन होने का एक ही कारण है, यह कि वे हमेशा धन की बुराई करते रहते हैं, वह पंख लगाकर उड़ जाता है। पॉइंट नंबर छठा, पैसे को भगवान मत बनाइए, यह केवल एक चिन्ह है। याद रखें कि असली अमीरी आपके मन में है, आप यहाँ एक संतुलित जीवन का नेतृत्व करने के लिए इसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से धन को पाना भी है। पॉइंट नंबर सातवां है, धन पाने को अपना एकमात्र ध्येय न बनाएं, धन संपदा खुशहाली शांति और सद्भाव दे, तब आपका अवचेतन आपको इन सब अभिव्यक्ति के भावों को चक्रवृद्धि ब्याज देगा। पॉइंट नंबर आठवां, गरीबी में कोई सदगुण नहीं है, यह मन की एक बीमारी है और आपको स्वयं ही इस मानसिक संघर्ष अथवा बीमारी को तुरंत हटाना है। पॉइंट नंबर नौ, आप यहाँ किसी झोपड़ी में रहने, चीथड़ों को पहनने या भूखे रहने के लिए नहीं है, बात यहाँ पर हमारे अस्तित्व की हो रही है। आप यहाँ भरपूर जिंदगी जीने आए हैं, आप यहाँ पर किसी झोपड़ी और चीथड़े में रहने नहीं आए हैं। तो इस पॉइंट नंबर नाइन को याद रखें। और दसवां पॉइंट है, कभी भी ऐसे वाक्य ना कहें जैसे गंदा धन या पैसे से नफरत करता हूँ। जब आप निंदा करते हैं तब आप उसे खो देते हैं, यह कुछ अच्छा या बुरा नहीं, लेकिन किसी भी प्रकार की सोच इसे ऐसा बना देती है। तो अब अपने विचारों में, अपने सोच में कभी भी खराब चीज़ें जैसे कि गंदा धन, पैसे से नफरत है, मतलब निगेटिव थिंकिंग्स को हमें दूर करना है और पॉजिटिव थिंकिंग्स को अपने दिमाग में लाना है। तो पॉइंट नंबर ग्यारह, अक्सर दोहराएं, मुझे धन प्रिय है, मैं इसे समझदारी, रचनात्मक रूप में और न्यायपूर्ण ढंग से प्रयोग में लाता हूँ, मैं इसे खुशी के साथ छोड़ता हूँ और यह कई गुना बढ़कर वापस मेरे पास आता है। तो अगर आप अपने धन को बढ़ाना चाहते हैं, अपने धन को कहीं कई गुना करना चाहते हैं, तो अक्सर इस बात को दोहराएं। फिर से मैं दोहराता हूं, मुझे धन प्रिय है, मैं इसे समझदारी, रचनात्मक रूप में और न्यायपूर्ण ढंग से प्रयोग में लाता हूं, मैं इसे खुशी के साथ छोड़ता हूं और कई गुना बढ़कर वापस मेरे पास आता है। और पॉइंट नंबर बारहवां, धन में कोई बुराई नहीं है, जैसे कि तांबा, सीसा, टिन या लोहा, जिसे आप जमीन पर पा सकते हैं, सभी बुराइयाँ अज्ञानता और मन की शक्ति के दुरुपयोग से होती हैं। पॉइंट नंबर तेरह, अपने मन में अंतिम परिणाम को छवि के रूप में देखना आपके अवचेतन को प्रतिक्रिया देने और उसे पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। पॉइंट नंबर तेरहवां क्या है, अपने मन में अंतिम परिणाम को छवि के रूप में देखना आपके अवचेतन को प्रतिक्रिया देता है, उसे पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। मतलब पॉइंट नंबर तेरहवां कहना चाहता है कि अगर हम अपने मन में जैसी भी सोच रखेंगे, जैसा भी देखेंगे, वो एक तरीके से माइंड होगा, माइंड में मतलब वो चेतन मन होगा, और वो चेतन मन जैसा सोचेगा वैसा ही अवचेतन मन में वो सारी चीज़ें फीड होती जाएंगी और वो सेम तरीके की प्रतिक्रियाएँ, सेम तरीके के रिएक्शंस हमारी लाइफ में वो अवचेतन मन हमें देता रहेगा। और जैसे जैसे अगर अवचेतन मन की हम क्रिया को समझना चाहते हैं, जैसे दिल की धड़कन हो गई, खून का बहना, खून का रक्त प्रवाह पूरे शरीर में होता रहता है, ये सब अवचेतन मन के द्वारा होता है, उस पर हमारा कोई कमांड नहीं होता। इसी प्रकार जैसे ही कोई सोच हम अवचेतन मन में डालते हैं तो उस पर से हमारी कमांड हट जाती है, वैसा वातावरण, वैसा माहौल बनने लगता है और वो वैसे ही उसी प्रकार की तथा स्थिति बनने लगती है जैसे मैंने सोचा था, और वो सारी चीज़ें वास्तव में होने लगती हैं। तो पॉइंट नंबर तेरहवा यह था कि अपने मन में अंतिम परिणाम को छवि के रूप में देखना आपके अवचेतन को प्रतिक्रिया देने और उसे पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये है। और चौदह पॉइंट है, सबसे लास्ट पॉइंट, कि बिना कुछ किए कुछ पाने की कोशिश ना करें। तो ये तो एक पूरे जीवन का सत्य है कि बिना कुछ पाने की कोशिश
कमी करनी भी नहीं चाहिए, बिना कुछ किए कुछ मिलता भी नहीं वैसे भी। और मुफ्त में खाना जैसी यहाँ कोई चीज़ नहीं है, आपको पाने के लिए देना पड़ेगा। आपको अपने ध्येय आदेशों और व्यवसाय के लिए मानसिक ध्यान देना होगा और आपका गहरा मन आपका सहयोग करेगा। अमीरी की चाबी अवचेतन मन का नियम है और जो इसे अमीरी के विचार को अपने अंदर व्याप्त करता है। तो यहाँ पर लास्ट में कहा गया कि अमीरी की चाबी अवचेतन मन का नियम है। तो आपको अवचेतन मन के नियम, मतलब अवचेतन मन में जो सारी चीज़ें सोचते हैं वो सेम चीज़ें आपके लाइफ में होती हैं। तो आपको अवचेतन मन के इन एक जो 14 नियम हमने बताए इनको अपने दिमाग में रखना है। अपने दिमाग में रखे सारी चीज़ें बार बार सोचेंगे, बार बार सही तरीके से पढ़ेंगे सुनेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपके अवचेतन रिएक्शन में, मतलब अवचेतन मन के रिएक्शन के रूप में आपके लाइफ में होती हुई घटित होती हुई दिखाई देने लगेंगी। तो ये हमारे 14 पॉइंट्स हैं जो आपको अमीरी के मार्ग पर ले जा सकते हैं, अगर आप इनको ध्यान से सुने समझे और अपने जीवन रूपी जीवन में अपने दोहराएँ और प्रयोग करें तो आपके साथ ज़रूर होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय ऑडियो क्लिप एंड थैंक यू वेरी वेरी मच। और आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और पेज अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी करें। थैंक यू सो मच।